अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मालूमाती मरकज। स्टूडेंट्स, आज की अपडेट बीजेडीयू के एमए एमएससी एग्जाम के हवाले से है कि एमए एमएससी पार्ट वन, पार्ट सेकंड और एमए एमएससी के कंपोजिट एग्जाम, दूसरा सालाना इम्तहान 2019 और पहला सालाना इम्तहान 2020 13 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है और एमए एमएससी पार्ट सेकंड के एग्जाम 1 मार्च 2021 से शुरू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि बीजेडीयू ने एमए एमएससी के तमाम सब्जेक्ट रोल नंबर स्लिप्स बीजेडीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी हो चुकी हैं। इसी की रोल नंबर स्लिप्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी हैं। लिहाजा एमए एमएससी के इन तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जिन्होंने बीजेडीयू की तरफ से एमए एमएससी के दाखिलात भेज रखे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स इम्तहान के लिए तैयार रहें और अपने सब्जेक्ट्स की रोल नंबर स्लिप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करें और 13 फरवरी वाले दिन एमए एमएससी के अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर दें। एक और अहम बात जो मैं आपको बताने लगा हूं कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने एमए एमएससी की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन ही भेजनी है, दूसरी मैनुअल रोल नंबर स्लिप्स किसी को बाय पोस्ट नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, मैनुअल रोल नंबर स्लिप्स का इंतज़ार ना करें और बग़ैर इंतज़ार किए अपनी रोल नंबर स्लिप्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल करें और पेपर के लिए तैयार रहें। यही ऑनलाइन आपकी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप्स होगी। रोल नंबर स्लिप्स चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बीजेडीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ऑनलाइन स्लिप्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें प्राइवेट कैंडिडेट की रोल नंबर स्लिप्स, यहाँ पे देखें प्राइवेट कैंडिडेट की रोल नंबर स्लिप्स मौजूद है। एमए एमएससी एनुअल सिस्टम रोल नंबर स्लिप्स, यहाँ पे क्लिक करें। एमए एमएससी कंपोजिट एग्जाम के लिए रोल नंबर स्लिप्स लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। एमए एमएससी का पार्ट वाइज एग्जाम दिया तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने एमए एमएससी कंपोजिट दाखिला भेजा है तो आप स्लिप लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तीन चीज़ों से अपनी रोल नंबर स्लिप्स निकाल सकते हैं। नंबर एक, आपके पास फॉर्म या चलान नंबर होना चाहिए। अगर फॉर्म या चलान नंबर नहीं है तो सीएनआईसी नंबर होना चाहिए। अगर सीएनआईसी नंबर भी नहीं है तो आपके पास यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इन तीनों तरीकों से रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एंटर करता हूँ और सर्च करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ चुकी है। इसका आप यहाँ पे प्रिंट दिस स्लिप प्रिंट करें और प्रिंटर के जरिए आप इसका प्रिंट लें और अपने पास रखें और रोल नंबर स्लिप पे, और याद रहे कि रोल नंबर स्लिप पे आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लाजमी करने हैं, इसके बगैर आपकी रोल नंबर स्लिप वैलिड नहीं है। इस तरह आप एमए एमएससी पार्ट वन की रोल नंबर स्लिप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है और नीचे पार्ट वन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है और सर्च करना है। ये देखें आपके सामने रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंटर के जरिए प्रिंट लें और इस रोल नंबर स्लिप के जरिए आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। मैं स्टूडेंट, ये थी इन्फॉर्मेशन बीजेडीयू के एग्जाम के बारे में। बीजेडीयू यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर स्लिप जारी कर दी है। आप अपने रोल नंबर स्लिप हासिल करें और मुकर्रर तारीख पर एग्जाम दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।